आज तू पूरी जो एम्बुलेंस लाइन है ऊपर की, जिसमें को 2 महीने से पूरा एम्बुलेंस चलती थी, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन थी मेडिकल की, उसको बंद करा दिल्ली पुलिस ने। वहाँ पे इस तरह के जो कटीले तार हैं ये लगाए, और 3 रोड को, जिस रोड को हमने छोड़ रखा है, उन सारे की सारी रोड पे कटीले तार लगा के आने जाने का, जनता का रास्ता रोकने का काम कर जा रहा। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुखी कर रहे हो। हमारी जनता से अपील है, हम दुखी नहीं कर रहे, आपकी जो रोड थी वे रोड पूरी खुली हुई है, दिल्ली पुलिस ने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है, उनसे आप कहो कि हमारी जो रोड थी वे खोलने जाए, जो उन्होंने बंद करा के दीवारें चिन दी उस पर, तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज है। सरकार से हमारा ये है कि किसान ने पहले भी वो दिया था कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, MSP पे कानून, और जो बजट की बहुत बड़ी उम्मीद आज सरकार से थी वो हुई नहीं। सिर्फ बजट में भाव के इशू पे कोई बातचीत नहीं है, कर्जा लेने पे बढ़ाने पे बातचीत है। क्या देश के किसान को कर्जे से उसका घर चलेगा? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी गई है, ई मंडियों की बात करी गई है, हमने बहुत पहले से हम ये कह रहे हैं कि हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनवा दो, हमारे भी गन्ने का और दूसरे फसलों का भुगतान उस माध्यम से करवाओ, जैसे हम तेल लेते हैं वो कार्ड से लेते हैं, ऐसे ही हमारा जब गन्ना किसान तोल दे, जब तक वो घर जाए उसका भुगतान हो जाए। यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार की है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उस पर कोई रेट नहीं डला, या हाल है बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में महंगे। यहाँ पे बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार पहले देती थी, अब वे सुविधाएं हटा रखी है, दिल्ली से पूरी पाबंदी कर दी है, तार लगा दिया, आदमी भी नहीं जा सकता।